कौन कौन सी गए? एक ब्रिगेडियर थी, एक कर्नल थी, कोई मुलाजम थी, कोई समझ नहीं आई, मार मार हाथिया देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है, लेकिन 10 अप्रैल को एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने पंजाब के आला फरान को और फौज के सरबरान को परेशान कर दिया। ये वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी जिसमें फौज ने पुलिस की धुलाई कर दी। इसके पीछे असल कहानी क्या थी, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पंजाब पुलिस ने एक दहशतगर्दी मचा के रखी हुई थी, बगैर वारंट के वो किसी के घर में भी घुस जाते थे। कहानी कुछ यूं थी कि पुलिस वाले ने एक बंदे को पकड़ा, से पिस्तौल बरामद हुई, इसे पैसे लेके से छोड़ दिया गया। पुलिस वालों का ये सिलसिला तो काफी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन इनके हाथों में गलती से आर्मी का बंदा आ गया। जब इन्होंने इससे पिस्तौल ली और पैसे लिए तो वो एक आर्मी ऑफिसर का भाई निकला। फिर क्या होना था, आर्मी वालों ने पंजाब पुलिस के ऊपर धावा बोल दिया और इस तरह की धुलाई कर दी। बाप ने बेटे की धुलाई इसलिए की कि बेटा याद रखे कि आइंदा किसी के घर में भी बगैर इजाजत के नहीं घुसा जाता। बहावलपुर में एचएसओ समेत उनकी नफरी ने दो मशहूर लोगों का पीछा किया, जिनमें से एक पकड़ा जाता है और एक भाग जाता है। पुलिस भागने वाले शख्स को पकड़ने के लिए घर में घुस जाती है, जहां उस घर में मौजूद औरतों और बच्चों को यरगमाल बना लिया जाता है। बच्चों बूढ़ों को मारा जाता है और औरतों की बहरूमती की जाती है। पुलिस वालों का भी मसला ये है कि जब भी वो किसी घर में घुस जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो पुलिस वाले हैं, और यही वो वक्त होता है जब वो जालिम बन जाते हैं। इस वाकये की वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होती है, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस वालों को पकड़कर घर में बिठा लेते हैं। उसके बाद इन पुलिस वालों की वीडियो बनाई जाती है जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। फौजी सी, एक कर्नल सी, एक ब्रिगेडियर सी, सर जी दो तीन सिविल च बंदे सी, नाल मुदई सी, अनवर अनवर नाम दा बंदा सी, जट सर जी जिन्होंने साडे खिलाफ सानू यरगमाल बनाया सी, जिन्हें हवाला दा तला तोड़ के सानू मारिया सर जी, फिर मारते रहे सर जी, तहन करते रहे, नखन खींचते रहे सर जी, एक फिर नाल एक कमरा आई थी, नाल कमरे च लैके बुआ बंद करके सर इन्हें शलवार उतारिये तक सर के बहुत कुटिया सर जी। हाँ जी सर, इंजेक्शन लाया इन्होंने सर जी, वाला लमके का लाया सर, बहुत ज्यादा की थी सर इन्होंने, मेरे असि मुसलमान है सर जी, इधर भी थोड़ा सर। वीडियो में घर में मौजूद औरतें अपने ऊपर होने वाला जुल्म की दास्तान सुनाती हैं। लोग काफी देर तक इन पुलिस वालों को पकड़ कर रखते हैं और छापा मारने की वजह पूछते हैं। इसके बाद इन पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुकदमा फराइज से गलत इस्तेमाल और फराइज की कुताही में दर्ज किया गया। अब यहाँ पर मामले में टर्निंग पॉइंट आता है। पुलिस वालों को पता ही नहीं था कि इन्होंने किस घर पर छापा मारा है। दरअसल ये घर एक फौजी जवान का था, और जैसे ही उस फौजी जवान को खबर मिलती है कि पुलिस वालों ने गैर कानूनी तौर पर इसके घर पर आकर औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर तशद्दुद किया है, मामला काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और थोड़े ही घंटे गुजरने के बाद फौजियों की गाड़ी अपने पूरे साजो सामान के साथ पहुंच जाती है। जवानों का थाने में जाना ही था कि पुलिस वालों की शामत आ जाती है और काफी देर तक पबजी खेली जाती है। पुलिस वालों की चंपी मालिश की जाती है, इनकी वीडियोस बनाई जाती है। वीडियोस भी ऐसी है जिन्हें दिखाया नहीं जा सकता। थाने में मौजूद एएसआई, एसएचओ, यहां तक के एक एक अहलकार भागने पर मजबूर हो जाता है। यहां तक कि उनकी फेंटी लगती है और उनको नानी भी याद करवाई जाती है। इन्हें गिनती और पहाड़े भी याद करवाए जाते हैं। थाने में मौजूद एसएचओ, जिसका नाम मोहम्मद रिजवान है, इसके कानों पर हाथ लगवाए गए, उसकी मालिश की गई और उसके बाद उसको मुर्गा बना दिया गया। एसएचओ साहब पूरे 2 घंटे तक मुर्गा बने रहे। जरा इस वीडियो को देखें, जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि पुलिस वालों को एक्सरसाइज करवाई जा रही है और फौजी जवान इनकी सिक्योरिटी पे खड़े हैं। यहाँ ना तो एक्सरसाइज करवाई जा रही है और ना ही फौजी जवान इनकी सिक्योरिटी पे खड़े हैं, बल्कि इन्हें उस गुनाह की सजा दी जा रही है जो ये ताकत के नशे में करते आ रहे हैं। इसके बाद आईजी पंजाब फौरन एक्शन लेते हैं और कहते हैं ये वाकया कोई बड़ा वाकया नहीं था, ये एक मामूली सा वाकया है जिसे सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आईजी पंजाब के मुताबिक ये वाकया बहुत ही मामूली वाकया था, ऐसा मामूली वाकया जिसे सोशल मीडिया पे दिखाया भी नहीं जा सकता। यकीन जानिए, ये वीडियो अगर स्क्रीन पर लगा दी जाए तो ये मेरे चैनल तो क्या किसी भी चैनल की धज्जियां उड़ा सकती है। आईजी पंजाब का कहना था कि इस वाकये के बाद दोनों इदारों की तरफ से इस मामले को खुशनूबी से हल कर दिया गया है। सुलह सफाई होने के बाद एक वीडियो वायरल होती है जहां आर्मी और पुलिस ऑफिसर के जवान नारे लगाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान,
अब यहाँ पर पाक फौज का जिंदा बात तो बनता है लेकिन पुलिस वालों का नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि इदारों को आमने सामने नहीं आना चाहिए। इदारे अगर अपना काम अच्छा करते हैं, अवाम के साथ मिलजुल कर चलते हैं तो फिर ही कोई मुल्क तरक्की कर सकता है। अवाम आर्मी के साथ तो है मगर पुलिस वालों के साथ नहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह है रवैया। अवाम के मुताबिक ये पुलिस वालों का इलाज था, इससे बेहतरीन इलाज पुलिस वालों का नहीं हो सकता। जो दहशतगर्दी पिछले कई महीनों से पंजाब पुलिस कर रही है इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ऐसा लग रहा है कि अवाम को मौका मिल गया है पुलिस से बदला लेने का। अवाम कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, इस पे बड़े मजे मजे के फनी मीम्स बनाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस को फेंटी लगने पर अवाम पूछ रही है कि भाई साहब अब क्या हाल है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा। पुलिस की फेंटी पड़ने वाली वीडियो के बाद बहुत से न्यूज चैनल पर एक वीडियो चलाई गई जो अरशद शरीफ से बहुत पहले रिकॉर्ड करवाई गई थी। अरशद शरीफ की कही हुई बात आज सच साबित हो रही है। किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। आज आप पाकिस्तानी लोगों के घरों में घुसे और समझ लेंगे कोई आपके घर में नहीं घुसेगा। सबके घर सबको पता है किधर है, सबको पता है कि जब आदर और चार दीवारी पामाल करते तो आप भी नहीं बचेंगे। यहाँ पे वो जो रात अनरोई का शेर है, यहाँ पे सिर्फ हमारा घर नहीं है, आग लगेगी तो सब घर। इस वाक्य के रोनुमा होने के बाद सबकी नजरें मोहतरम जनाब आईजी पंजाब पर थी। लेकिन मोहतरम आईजी पंजाब का कहना था कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ तफसीलात है वो ये है कि पुलिस को चंगी पड़ी फेंटी लगी है, बहुत मार पड़ी पुलिस वालों को और पड़नी चाहिए पुलिस वालों को मार। जब गैर कानूनी काम करेंगे तो मार पड़ेगी। इससे पहले लेकिन क्या पुलिस ने पहली मर्तबा ये गैर कानूनी काम किया है? देखिए बेशुमार लोगों के घरों में पुलिस बगैर वारंट के दाखिल हुई है। मेरे अपने घर में पुलिस 3 मरतबा बगैर वारंट के दाखिल हुई है, दर्जनों की तादाद में दाखिल हुई है और यूनिफॉर्म के साथ दाखिल हुई है। तो क्या मैं पुलिस को पकड़ के बिठा सकता हूँ या उनके ऊपर गोली चला सकता हूँ या उनके साथ लड़ाई कर सकता हूँ? मैंने हमेशा ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया कि रियासती इदारा है और अगर ये यूनिफॉर्म के अंदर आए हैं, ये गैर कानूनी तरीके से भी आए हैं, तो मैं कानूनी तरीके से इनके साथ लड़ सकता हूँ। अदालत में जाऊंगा, अगले फोरम के ऊपर जाऊंगा, इनके ऊपर एप्लीकेशन दूंगा। रुको जरा, सबर करो। क्या नाम है तेरा? मेरा नहीं बता। ऐसा ही।